हाई फ्रेंड्स आव यू सो इज नाइन्थ मार्च चलिए देखते हैं आज क्या है वेरी गुड मॉर्निंग एक तो आज पेज वन पे हेडलाइंस है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरव्यू करना है रीलुक करना है अपने इंदिरा सोनी जजमेंट को कि जिसमें फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन का कोटा फिक्स कर दिया गया था कि इसको ब्रीच नहीं कर सकते आप उसके बाद आपको पता है मराठा कोटा लो ने लॉ ने रिजर्वेशन जो फिफ्टी परसेंट का मार्ग था उसको क्रॉस किया है कुछ स्टेट्स और ऐसा कर रही हैं और उसके बारे में ये रिलुक करेंगे जो वन हंड्रेड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है थ्री फोर्टी टू ए आया है अभी हम सारा डिस्कस करेंगे ये नोट्स बने हुए हैं इस पर और इसकी इन्होंने फिफ्टी मार्च की हेयरिंग रखी है उसमें ये स्टेट्स के व्यूज़ भी लेंगे कि क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहा है थ्री फोर्टी टू ए और ये वन हंड्रेड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो इसको हमने अभी एक लेक्चर में इससे कुछ नहीं होगा अभी हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हमें इसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि क्या इसकी हेयरिंग्स में निकल रहा है क्या नहीं तो ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत बन जाता है क्वेश्चन अब इसको हम और प्रिलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मेन्स के लिए हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है वो हम अभी नोट्स में देखते हैं बट अब हमें इसको थोड़ा सा इसका जो न्यूज़ है इसको हमें फॉलोअप करना पड़ेगा क्योंकि ये कई दिन चलेगा मार्च 15 को हेयरिंग है और भी इन्होंने स्टेट्स बुलाई हैं मराठा महाराष्ट्र को छोड़ के कि आप भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करिए इसको हमें लेके कैसे फॉरवर्ड करना है, है कैसे नहीं इंदिरा सोनी जजमेंट को रीलुक करने की जरूरत है फिफ्टी परसेंट कोटा को रीलुक करने की जरूरत है कैसे करना है कैसे नहीं तो थोड़ा सा नोट्स देखिए इंदिरा सोनी केस जो है नाइनटीन में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि एक परमानेंट बॉडी बनाइए जो एंटरटेन करे एग्जामिन करे इंक्लूजन एक्लूजन को बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनके बेनिफिट्स के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए उस वजह से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट लाया गया था 1993 में और कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एनसी बट उसके बाद इन्होंने क्या किया 2017 123rd Constitutional Amendment Bill है दो में वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं उसमें बैकवर्ड क्लासेस को मोर इफेक्टिवली इंटरेस्ट किया जाए उनके सेफ गार्ड किया जाए उनके इंटरेस्ट को तो इसलिए वन ट्वेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आया गया उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की वजह से एक्ट जो आया वो है वन हंड्रेड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक बात ये याद रखिएगा कि बिल और एक्ट ज़रूरी नहीं सेम हो क्योंकि बिल्स लाए जाते हैं कुछ बिल्स पास होते हैं कुछ बिल्स पास नहीं होते बिल पास होने के बाद वो एक्ट बनती है तो इसलिए जब वन ट्वेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बिल आपसे पूछा जाए तो ये इट इज़ रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लासेस और उसके बाद जो बिल पास हो गया उसको बनाया गया वन हंड्रेड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट उसने इसका प्रोवाइड कराया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उससे पहले जो ये था ये एक स्टैचुटरी बॉडी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है ठीक है उसकी अथॉरिटी क्या है एक्सप्लेन एग्जामिन करना कंप्लेंट्स को और वेलफेयर मेजर्स लेना रिगार्डिंग सोशनली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस उसके बाद जो ये अमेंडमेंट है आल्सो ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन आर्टिकल 366 सिक्सटी थ्री थर्टी एट बी एंड थ्री फोर्टी टू ए इसने आर्टिकल न्यू इंसर्ट किए ठीक है वन हंड्रेड सेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से आपको अगर में क्वेश्चन आता है तो इसने दो न्यू आर्टिकल्स इंसर्ट करे हैं थ्री थर्टी एट बी और थ्री फोर्टी टू ए और इसने चेंजेस लाए हैं आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए तो इसका इंपैक्ट किस किस आर्टिकल्स पर पड़ेगा तो ये तीन आर्टिकल्स आप मेंशन में कर सकते हैं और आर्टिकल थ्री बी क्या कहता है एनसीबीसी को अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है जो इस पे ये एग्जामिन करेंगे कंप्लेंट्स और वेलफेयर मेजर्स लेंगे रिगार्डिंग सोशनली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और आर्टिकल 342 ए टू एमपावर करता है कि प्रेसिडेंट को कि स्पेसिफाई करना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज आपको पता होगा पहले क्या था कि सोशली हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि जो स्टेट है वो अपना स्टेट डिसाइड करेगी और सेंटर जो है सेंटर लिस्ट में जो आते हैं वो सेंटर डिसाइड करती है पार्लियामेंट डिसाइड करती है बट इसमें क्या है कि प्रेजिडेंट ने स्पेसिफाई करना है दो इन कंसल्टे विद द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट और उसमें क्या है अगर कोई भी अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो आपको पार्लियामेंट में इस लॉ को एनेक्ट कराना पड़ेगा तो उनको यह लग रहा है कि आर्टिकल 342 फोर्टी ए की वजह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है यह यूनिटरी की तरफ बढ़ रहा है तो आर्टिकल 342 फोर्टी ए मैंडेटरी कर देता है कॉन्करेंस ऑफ पार्लियामेंट फॉर एडिंग और डिलीटिंग एनी कम्युनिटी इन द बैकवर्ड लिस्ट इवन इन द स्टेट पहले जो स्टेट्स का पदाधिकार था कि जो स्टेट लिस्ट में वो अपने प्लस माइनस कर सकते हैं अब उन्होंने थ्री फोर्टी एट फोर्टी टू ए ने कहा है कि कॉन्करेंस ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो मैंडेटरी और एक बात याद रखेंगे कि रिकमेंडेशन जो इनकी है इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट दो इट इज इट हैज नॉट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इनकी जो रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट तो ये जो प्रोविजन है ये हमने देख लिया है इसके लिए हमें मेंस में क्या क्या हमें देखिए इस इन पॉइंट्स को तो जो मैंने अभी बताया इनको तो रखना ही पड़ेगा प्रेलिम्स वालों के लिए थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए तो ये इनफ है और नेशनल एन की क्या आ, कौन अपॉइंट करता है कौन नहीं करता जैसे प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं उनके अंडर ही ये सारी फंक्शनिंग होती है बट ये आपको अपने जब पॉलिटी के पढ़ेंगे तो थोड़ा इस एनसीबीसी का आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा उसके अलावा आपने क्या देखना है जो ये बेसिक्स मैंने बताए हैं ये आपको अच्छी तरह प्रेलम्स के लिए नोट होने चाहिए मेंस वाले भी इसको अलग से नोट कीजिएगा क्योंकि अब जब भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि अब जैसे फिफ्टीथ मार्च को हियरिंग शुरू होनी है उसके बाद ये कई दिन चलेगी कई पता है, हमें पॉइंट्स पता चलते रहेंगे तो इसके साथ आप दो से तीन पेज आप अपने लूज छोड़िएगा मेंस में ये लिखने के बाद क्योंकि बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो पहले हम ये लिखेंगे उसके बाद हम जो अब आज के बाद फिफ्टीन मार्च ऑनवर्ड्स जो पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे हम वो ऐड करते रहेंगे उसके बाद जो ये एडिटोरियल पे था कि हरियाणा स्टेट का 75 परसेंट मैंने आपको एक पॉइंट पहले मेंशन करा दिया था कि ये मेंस वाले एज अ फॉर्डर लिख लीजिए कि जो इन्होंने 75 परसेंट कोटा करा है स्टेट ओन रेजिडेंट्स के लिए वो अब आप अगर मेंस में लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं थोड़ा सा आप अगर किसी क्वेश्चन में पॉलिटी के ऊपर या सोशल इशूज़ के ऊपर या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के ऊपर या ऐसे सब कुछ क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयमेंट को लेकर तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये इट ऑस्टेंसिबली फ्लाइज मतलब लिख सकते हैं इट इज़ अगेंस्ट इस्पेली आर्टिकल नाइनटीन वन एंड आर्टिकल सिक्सटीन टू ये हमें पता ही आर्टिकल नाइनटीन वन क्या है कि कहीं भी काम कर सकते हैं सिक्सटीन टू के एम्प्लॉयमेंट को लेकर और इसमें क्या है कि आप इसमें एक पॉइंट ये दे सकते हैं कि इसमें एक जो ऑफिसर्स आएंगे ऑफिशल्स आएंगे दे हैव द पावर टू द इंटरफोन्स प्रमाइसिस और वो बता सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं कि जो फर्म है वो हायर कर सकती है आउटसाइडर को या उनको लोकल कैंडिडेट्स को ही हायर करना चाहिए तो बेसिकली हम दोबारा से जो हमने इंस्पेक्टर राज सिस्टम ख़त्म कर दिया था जब कभी भी कोई भी ऑफिसर आ जाता था और फैक्ट्री ओनर्स को तंग करता था रिश्वत लेता था तो हम वापस से ये इंस्पेक्टर राज सिस्टम लेके आ रहे हैं जब से हम कह रहे हैं कि हम ई गवर्नेंस शुरू कर रहे हैं ई गवर्नेंस शुरू कर रहे हैं कुछ स्टेट्स वापस से इंस्पेक्टर राज सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं एंड दिस रनस काउंटर टू द जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत वो कहते हैं ना कि वन नेशन वन मार्केट स्लोगन कि कोई कहीं भी जाए कहीं भी काम कर सकता है तो ये राइजिंग फिर कहेंगे कि अगर इससे क्या एक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इसकी वजह से कुछ स्टेट्स भी ये फॉलो करेंगे अगर एक स्टेट ने किया तो दूसरी भी करेगी तीसरी भी करेगी चौथी भी करेगी आपको पता आंध्र प्रदेश ने भी ये किया था सिस्टम बट वो अब कोर्ट में गए हुए सारे के गे, उसके अगेंस्ट तो फिर कहते हैं कि सेंटर को इसमें दाखिल मतलब स्टेप करना चाहिए इट शुड स्टेप इन दिस प्रोसेस क्योंकि ये एक तो वर्क वीज़ा रिजीम पैदा कर देगा विद इन अ कंट्री और एक हमारे लिए डैमेज कर देगा जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है जैसे आपको अगर अमेरिका में काम करना जाके तो आपको तो तो वर्क वीज़ा चाहिए होता है वैसे ये तो ये हाल कर देगा कि हमें अपना अगर इंडिया के अंदर भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करना है तो वर्क वीज़ा शुरू हो जाएगा अगर सारी स्टेट्स ने यह फॉलो करना शुरू कर दिया तो ये हमारा जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की एक आदमी हमें सपोज कीजिए अगर आप सब गुड़गांव में काम करते हो तो वो दिखता है कि एक साउथ इंडियन भी काम करें नॉर्थ इंडियन भी काम करें ईस्ट का भी काम करे वेस्ट का भी काम करें तो एक वर्क प्लेस की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी ऐसे कि अगर हरियाणा के हरियाणा के लोग ही काम कर सकते हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की काम तो बहुत गलत है इसको आप एज अ मीन्स में आप ये लिखिएगा ट्रिलेंस के लिए इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट उसके बाद जो है एक एडिटोरियल पे था दोहा अग्रीमेंट जो ये यूएस और अफगानिस्तान का दे रखा है वो किस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना प्रलम्स के लिए ना मेंस के लिए बट आप याद देखेगा दोहा अग्रीमेंट अगर आपके ऊपर आता है कि किसके बीच में होता तो यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान नहीं भी होगा तो अफगानिस्तान होगा तो आप अफगानिस्तान कर सकते हैं एक एडिटोरियल पे था वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा दे रखा था तो थोड़ा सा देखिए कि, कि कहते हैं वर्क फ्रॉम होम जो मॉडल है वो करता है अलाउ वर्क फ्रॉम होम का कि आप आ, हफ्ते में सपोज तीन दिन काम करिए अपने घर से तीन दिन काम करिए आप ऑफिस में आके ठीक है बट आपको ये ऑप्शन आ सकती है क्योंकि इस बार बहुत वर्क फ्रॉम होम चला वर्क फ्रॉम होम चले तो आप, आपके पास ऑप्शन आ सकती है कि यू कैन डू वर्क फ्रॉम योर होम फॉर फॉर फुल फॉर रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ या ऐसा कुछ भी तो आप याद रखिएगा कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है फ्रॉम एन ऑफिस भी करना है उसमें थोड़े दिनों के लिए और वर्क फ्रॉम एनी का जो uh, सिद्धांत है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल के पास चॉइस होगी वो कहीं भी रहती कह के करें अगर सब सपोज तो आपकी यूएस में जॉब लगी हुई है आप इंडिया में भी आके काम करना चाहें तो आप अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया में आके भी काम कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम एनी वेयर यहाँ पर डिफरेंशिएट करता है वर्क फ्रॉम होम से तो दिस गिव्स देम द फ्लेक्सीबिलिटी और वर्क फोर्स इसका बेनिफिट क्या रहे हैं अगर आपके पास मेन्स में अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हो कि अगर शिफ्ट रिमोट वर्क तो इसके क्या होगा कि इन लोगों के लिए क्या भला होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके खर्चे कम हो जाएंगे थोड़ी रिमोट प्लेसेस पे चले जाएंगे सिटी एरिया में नहीं रहेंगे तो उनको रेंट कम पे करना पड़ेगा जो ऑर्गनाइजेशन हैं आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ये बी पी वगैरह होते हैं बड़े महंगे महंगे ये लोग रेंटल पे आ, इनको क्योंकि प्राइम लोकेशन पे अपना ऑफिस करना पड़ता है तो वहाँ पर रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको बहुत महंगी महंगी बिल्डिंग्स को किराए पर लेना पड़ता है कल समटाइम्स इट इन क्रोड्स तो उससे क्या है कि वो उनको वेकेट कर सकते हैं उससे उनका भला होगा क्योंकि रेंटल एक्सपेंसिस मिसलिनियस एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस उनके बहुत कम हो जाएंगे ऊपर से क्या होगा कि दूसरा कह सकते हैं वर्कफोर्स जो है अगर वो नहीं जाएगी तो एक तो रियल uh, एस्टेट की कॉस्ट कम हो जाएगी उस वजह से और दूसरा क्या डेली वर्क कम्यूटर्स जो होंगे जो अगर जाते थे उतनी ही बसेस कम चलेंगी सपोज करिए आज अगर हज़ार आदमी जा रहे हैं तो दस बसेज चल रही थी अगर हज़ार खत्म हो जाएंगे तो एक या दो बस से भी काम चल जाएगा तो कार्बन एमिशन कम होगा ठीक है ये पॉइंट्स आप ले सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वर्क फ्रॉम एनी वेयर से अगर आपको इंटरव्यू में भी पूछना तो ये यू कैन टेल दिस बेनिफिट्स ठीक है उसके बाद आप थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देखिए उसके बाद हम उसका आर्टिकल देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है अगर सपोज करिए आपने किसी पार्टी को डोनेट करना है आ, कुछ भी आ, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा सकते हैं ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू इशू एंड कैश दीज बॉन्ड्स तो आप जा सकते हैं उनसे कह सकते हैं हज़ार का दे दो दस हज़ार का लाख का दस लाख का एक करोड़ का उसके मल्टीपल्स में होना चाहिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी या ऑनलाइन कैसे भी पेमेंट करनी पड़ेगी कैश से नहीं कर सकते वो आपको बॉन्ड दे देंगे आप बॉन्ड जाके चाहे बीजेपी को दो चाहे कांग्रेस को दो वो इनकी इच्छा है ठीक है वो फिफ्टीन डेज़ के अंदर उसको एंग कैश करा सकते हैं और बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और कि कोई भी एक आदमी ले सकता है दो आदमी मिलके ले सकते हैं कोई भी कंपनी जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो ले सकती है इसको और डोनर का नाम बॉन्ड पे नहीं लिखा होगा अब इसके बारे में देखिए आर्टिकल डिस्कस करते हैं आप अगर आपने लिखना हो देखिए डायरेक्ट आपके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर पे नहीं आएगा पॉलिटिकल सिस्टम को रिवाइव करने के ऊपर आएगा या कैसे हम रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं अपने स्ट्रक्चर पे उसको लेके आ सकता है तो आप ये देख सकते हैं कि द पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फाइनेंसिंग ठीक है यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ने आइडिया लॉन्च किया था कि हम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे तो लोगों ने सोचा था कि ट्रांसपेरेंसी uh, आएगी और एलिमिनेटिंग होगा ब्लैक मनी से बट इन्होंने बहुत ही गलत रूट अपनाया एक तो मनी बिल रूट अपनाया ताकि बाईपास कर सके राज्यसभा को उसके बाद इन्होंने अमेंडमेंट्स की इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज एक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में टू इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच अलाउज डोनर्स टू अनोनीमसली डोनेट अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एक तो सबसे पहली बात है कि डोनर का नाम नहीं होगा तो एनोनिमस हो गया उसके बाद इनका क्या है कि अनलिमिटेड फंड्स वो कर सकता है प्रोवाइड अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कितना कर सकता है कैसे कर सकता है और उसमें क्या है कि अंडर द स्कीम एन इलेक्टोरल बॉन्ड इशूड इन द नेचर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट कैन बी ब्रॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन जैसे अभी हमने देखा और एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ठीक है उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी अधिकार नहीं है कि आइडेंटिटी जानने का डोनर्स कौन है कौन नहीं क्योंकि इन्होंने आई एक्ट में भी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी कंपनीज एक्ट में भी इसकी वजह से अमेंडमेंट्स करी हैं वो कह रहा है कि पीपल की एबिलिटी की ट्रैक डोनेशन की कौन अगर आज आपको जानना है कि यार ये इतना अदानी अंबानी का क्यों इतना भला हो रहा है तो आप नहीं जान सकते क्योंकि क्या क्विड प्रो क्यों चल रहा है क्विड प्रो क्यों मतलब तू कुछ दे मुझे मैं तेरे को कुछ देता हूँ तो वो हम जाके ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि एनोनिमसली हो रहा है जो हो रहा है अगर हमें पता हो कि अंबानी इतना डोनेट कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यार अंबानी को इसलिए बेनिफिट्स मिल रहा है क्योंकि अंबानी उनको इतने फ़ंड्स प्रोवाइड करा रहा है ठीक है तो इस वजह से जो और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में उठाया है उन्होंने कहा है कि इवन हम भी नहीं पता कर सकते कि डोने डोनर कौन है कौन नहीं तो इसलिए वेदर डोनेशन रिसीव वर इन कम्प्लायंस विद द स्टेचुटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टीज़ ये हमारे लिए भी जानना बहुत मुश्किल है तो ये बिल जो लाई ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो लाए हैं इट इज़ वेरी मच अगेंस्ट द डेमोक्रेसी और उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्रोपोनेंट्स जो हैं मतलब जो चाहते जो प्रो हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के जो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेट बैंक इशू करेगा वो खाली चेक्स डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्ट डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्रेन से करेगा तो इसलिए ब्लैक मनी रुकेगी इससे मगर हम कह सकते हैं कि नहीं इसमें दिक्कत ये है कि जो आप इनकम टैक्स एक्ट में आपने जो चेंजेस करे हैं जिसमें आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं सोर्सेज मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं उनको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो डोनर जो है उसका नाम नहीं होगा तो डोनर बच गया उधर से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ले रही हैं उनको भी बताने की ज़रूरत नहीं पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में भी इन्होंने चेंजेस कर दी हैं क्योंकि उसमें मगर ये है कि अगर बीस हज़ार से कम की डोनेशन है उसको नहीं उन्होंने वो करना है आ, ए, क्या नाम है बताना है कि किससे लिए किससे नहीं बीस हज़ार से ऊपर की होगी तो आप बता सकते हो कि किस डोनर ने दिया ये बट इसमें भी एक आ, कैच है वो कि ये है कि अगर आप सपोज करिए अगर आपने किसी को एक लाख रुपए देना है और आप अपना नाम छुपाना चाहते हो तो आप बी बीस हज़ार के पाँच बॉन्ड्स दे दोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको तो इसलिए कैश कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल स्मॉल डोनेशंस तो ये भी फ़र्क है इससे फिर हमें क्या फ़र्क पड़ा है ना क्योंकि तो इससे हमें पता ही नहीं चलेगा अगर आपने बीस के पाँच ले लिए तो ना तो आपको इनकम टैक्स को पता नहीं ना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आपके डोनर का नाम आना है तो दोनों बच गए जहाँ वो लाख रुपये एक साथ दे रहा था वो बीस हज़ार करके पाँच दे देगा उसके बाद इन्होंने कंपनीज़ एक्ट में भी चेंज की है कंपनीज़ एक्ट में इन्होंने क्या कराया साढ़े सात परसेंट का जो कैप थी जो आपको पॉलिटिकली पार्टीज को कंट्रीब्यूट करना था एज अ परसेंटेज वो भी खत्म कर दिया इन्होंने तो इसलिए आप कोई भी अगर आज अंबानी अदानी कोई भी है वो अपनी शेल कंपनीज़ बना सकते हैं बहुत सारी अनलिमिटेड शेल कंपनीज बना सकते हो क्या इसमें फर्क पड़ता है आप बना दो दस हज़ार कंपनीज बना दो तो उस शेल कंपनीज के थ्रू भी आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट की परचेज कर सकते हो ताकि आपको पता ना चले तो इसलिए आप लास्ट में अपना ले सकते हैं कि अब बॉन्ड्स आर टू बी डिटेन तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि एक तो डोनेशंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पार्टीज़ को भी ऑब्लिगेटेड होना चाहिए ओब्लाइज होना चाहिए कि वो अपने रिपोर्ट करे कि क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और इलेक्शन कमीशन को पावर होनी चाहिए कि वो ओवरसाइड कर सके कि कितना अमाउंट किसको आया और किस डोनर ने दिया है इट दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो शुड बी पुट इन पब्लिक डोमेन तो इतना लिखना बहुत है इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है और एक पेज टेन पे था टू प्लस टू थोड़ा सा टू प्लस टू देखिए क्या होता है ये मिनिस्ट्री लेवल की हाईएस्ट लेवल मीटिंग होती है बिटवीन टू कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर ये याद रखिएगा टू प्लस टू आता है तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें और वो या सेक्रेटरीज इन्वॉल्व हो सकते हैं और इंडिया की अगर ऐसी टॉक्स होती हैं तो किसके साथ होती हैं ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यू ठीक है ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यू एस टू, टू डायलॉग होता है जो हमारा उसके बाद ये हमने देख लिया ये देखिए एक तो चाइना के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको एडिटोरियल पे ही था जो ये पोलर सिल्क रोड बना रहा है तो ध्यान से सुनिएगा ये वाला भी चाइना जो है इट इज़ नॉट एन आर्किक स्टेट ठीक है हम आर्कटिक स्टेट्स पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं कि हम आर्कटिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं कौन कौन सी नहीं दो चाइना के पास इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है तो आजकल क्या है कि पोलर रीजन पे ये अपनी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ा रहा है और ये ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल ही चुका है आर्टिक काउंसिल का चाइना ने क्या शुरू कर दिया अब एक पोलर सिल्क रोड अभी आपने देखा होगा जो ये अपना इनकी असेंबली भी चल रही है उसमें इन्होंने पोलर सिल्क रोड का विजन दोबारा दिया है पहले 2018 में भी दिया था इसमें बेसिकली पैसिफिक आर्कटिक और अटलांटिक ओशन कवर होगा और इन्होंने अपना फोर्टीन फाइव ईयर प्लान जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें टिल टू जिसमें ये पोलर सिल्क रोड पर काम करेंगे देखिए दो मेजर रूट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आर्टिक ओशन में अभी भी और रशिया भी उनको यूज़ करता है उनका नाम है नॉर्थ वेस्ट पैसेज रूट और एक है नॉर्दर्न सी रूट अगर आपके पास आता है क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहाँ पे है तो ये याद देखेगा ये आर्कटिक के साथ है और नॉर्दर्न सी रूट से तो आपको समझ आई जाएगा ये नॉर्दर्न सी कह रहे हैं तो इसका मतलब वो वहाँ पे है तो ये रशिया नॉर्दर्न सी रूट यूज़ करता है जो उसको रोटर डैम नैदरलैंड में है रोटर डैम वहाँ तक पहुँचा देता है और नॉर्थ वेस्ट पैसे जो है वो कनाडा डेनमार्क और ग्रीनलैंड यूज़ करता है जो रॉटर डैम से उनको सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाते हैं जो पोलर सिल्क रूट है वो एक अब थर्ड रूट खोलने जा रहा है जो नॉर्थ पोल से पास के से जाएगा या उसके पास से जाएगा अब वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि क्या है एक तो उसका इंटरेस्ट आर्टिक आर्कटिक में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक तो उसका ना रशिया का एक यामल एल प्रोजेक्ट है जहाँ पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसमें इसका बहुत बड़ा मेजर स्टेक है बहुत पैसे लगा रखे हैं इसने उस वजह से अगर ये रूट बन जाता है तो उसको सप्लाई जो है बड़ी रिड्यूस्ड कॉस्ट में मिल जाएगी और चाइना की ये नज़र है वहाँ के ऑयल गैस और मिनरल रिजर्व्स पे ठीक है और दी छठा पॉइंट क्या है कि इससे चाइना की जो है जो डिस्टेंस है ग्लोबल ट्रेड का वो भी बहुत ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बेसिकली वो एक रूट अपना रहा है जहाँ से वो यूरोप भी पहुँच सकता है आपको मैं रूट दिखाता हूँ देखिए ये जो रेड वाला देख रहे हैं ना आप ये है आर्कटिक सी रूट जो इन्होंने अपनाया है समझ रहे हैं आप ये चाइना से निकला और ये ऊपर ऊपर से यहां से जा सकता है दूसरा अगर आप ये लाइट ब्लू देखेंगे तो ये इनका ये जो लैंड रूट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये वो है कैसे ये लोग सोच रहे हैं दिमाग देखिए इनका कि कहाँ से कहाँ पहुँचने कैसे अपने क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है आप क्या प्राइजेस देते हैं कोट करते हैं और ये मेरी रूट जो आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने मतलब ग्वादर भी ले लिया कोलंबो भी ले लिया इधर से यहाँ भी ले लिया है जकार्ता में भी केनिया में भी मतलब हर जगह ये लोग पहुँच गए हैं और अगर आप ये स्मॉल ग्लोब देख रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज कौन सा है नॉर्दर्न सी रूट कौन सा है थोड़ा सा इसलिए देखने में क्या होता है कि आदमी को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे चल रही है चीज़ कैसे नहीं चल रही है उसके बाद अब हमने देखना है कि जो ये वाली न्यूज़ है इंदिरा सोनी जजमेंट और ये जो फिफ्टीन मार्च है इसको हम फॉलोअप रखेंगे जितना आपको मैंने अभी इस नोट्स में बताया है ये तो आप बैकग्राउंड में लिख लीजिए मेंस वाले भी और प्रीलिम्स वाले तो अच्छी तरह नोट कर लेना कुछ भी आ सकता है इसमें से और साथ में अपना जो आप नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखेंगे उसका स्ट्रक्चर अगर अच्छी तरह देख लेना क्योंकि इसका फिफ्टीन मार्च से हियरिंग शुरू हो रही है तो कुछ भी आ सकता है एनसीबीसी के ऊपर तो आप पॉलिटी में थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना इसको और जो मेन्स वाले हैं इसको आप अपना एज अ बैकग्राउंड लिख लीजिए उसके बाद जब जब, जब पॉइंट्स एड होंगे हम इसको एड ऑन करते रहेंगे ठीक है दैट सेट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे बाय टेक केयर